ندعوه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. अल्लाह का नाम लेता हूँ, उसकी हमद सना करता हूँ इस तौफीक पर, उसकी बारगाह कुछ में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ और उसी से तौफीक मजीद मांगता हूँ। सरकार दो आलम फखरे बनी आदम ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दो हर बार में हदीए दरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के इस अहम और तारीख साज इजलास में हम और आप शरीक हैं और जैसा कि आप सब के इल्म में है और अभी नाज़िम इजलास में ऐलान भी फरमाया कि आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत हम सब के मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासिमी दामत बरकातुह इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं और हमारे सामने तख्त पर जलवा फरमाए। आपके अलावा उलमाए किराम मारूफ और मशहूर मुमताज़ और बाफैज़ जिनके बयानात हमने सुने और इसके बाद भी सुनेंगे, इन सब की मौजूदगी में उन छोटे से तालिब इल्म की लबकुशाई यकीनन जुरत और गुस्ताखी है। और मैं खुसूसन हजरत सदर जलसा से माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी मौजूदगी में
आपके सामने आपके रूबरू चंद बातें मुझे अर्ज करने का हुक्म दिया गया है। मैं जिम्मेदारा ने इजलास से तहफ्फुज़ शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ हाजिरी का हुक्म दिया और कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। हाजिरी गिरामी, तफसील में नहीं जाना है, वक्त भी तंग है, इसलिए मैं भी दो बातें आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हमारा और आपका ये दीन, ये शरीयत, ये निज़ाम हयात और ये दस्तूर सीरत इस्लाम नहायत कामिल और मुकम्मल दीन है। इस दीन में कहीं भी किसी भी पहलू से, किसी भी एतबार से कोई ज़ौक, कोई इस्मेहलाल, कोई कमज़ोरी, कोई खामी, कोई कमी हरगिज़ नहीं है। नहायत कामिल और मुकम्मल दीन जो इंसानी ज़िंदगी को मुहीत है और हर एतबार से इस दीन में इंसानों के लिए अहकाम दिए गए हैं, उसूल बताए गए हैं, ज़ाब्ते तजवीज़ फरमाए गए हैं, कानून मुदव्वन किया गया है, कहीं भी कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हमें किसी और कानून की तरफ, किसी और दस्तूर की तरफ या किसी और दीन की तरफ मुहताजाना नज़रें उठाने पर मजबूर होना पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं। फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में एक यहूदी ने हाजिरी दी और अपने एतबार से उसने एक बात हज़रत अमीरुल मोमिनीन से कही। कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में जिसे आप हजरात पढ़ते रहते हैं एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत यहूदियों को मिली होती और हज़रत मूसा के अलैहिस्सलाम वास्ते से यहूदियों को हासिल हुई होती तो यहूदी यौम नुज़ूल को यौम ईद करार देते। इतनी अजीब शान और इतनी खुशखबरी रखने वाली आयत आप हजरात की किताब में है, लेकिन आप हजरात इसकी अहमियत से वाकिफ हैं, इसकी अजमत को जानते हैं, कुछ लगता नहीं ऐसा। कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा लव अलैना माशरल यहूदी नज़ल लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, कि अगर यहूदियों को मिली होती वो आयत और उन पर नाज़िल हुई होती बवास्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो यहूदी यौम नुज़ूल को यौम ईद करार देते, खुशी मनाते, फ़र्ह सुरूर का मुजाहरा करते। लेकिन आप हजरात की ज़िंदगियों में ऐसा कोई असर पाया जाता है और आप हजरात इस आयत की अहमियत से वाकिफ हैं, कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। बुज़ुर्गाने मुहतरम, उस ज़माने के यहूदी भी कुरान मजीद पढ़ते थे, देखते थे, उसके अंदर जो चीज़ें थीं उनको समझते थे और जो चीज़ काबिल रश्क उनको नज़र आती थी उस पर रश्क करते थे। आज भी लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं कुछ, लेकिन उनको वो खूबियाँ नज़र नहीं आती जो कुरान मजीद में, उनकी टेढ़ी नज़र और उनकी कज फिक्री उन्हें सही सोच और सही मफहूम को अख़्ज़ करने की जो सलाहियत होती है उससे रोकती, उनकी गलत फिक्री, गलत नज़री, और उन्हें नज़र आता है कि ये आयत हमारे ख़िलाफ़ है, ये आयत हमारे ख़िलाफ़ है,
इसलिए इतनी आयतों को निकाल देना चाहिए कुरान मजीद। हालांकि कुरान मजीद ने सराहतन कहा ला यनहाकुम अल्लाह अनिल लजीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक्सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। अल्लाह की तरफ से कोई ममानात नहीं कि वो लोग जो तुम्हारे दीन पर चाहे ना हो लेकिन तुमसे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, तुम पर जुल्म करते नहीं, तुम्हें मुल्क बदल होने का मशवरा देते नहीं, ऐसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखो, अच्छा सलूक करो, अदलो इंसाफ का मामला रखो, खामखा के मजालिम उनके खिलाफ न बर्पा करो, अल्लाह तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करने से मना नहीं करता, मना वहां करता है। इन्नमा यनहाकुम अल्लाहु अनिल लजीना कातलूकुम फिद्दीन, जो तुमसे लड़ते झगड़ते हैं, क़िताल करते हैं और दीन के बारे में तुम पर हमले करते हैं और तुम्हें मुल्क बदल होने का मशवरा देते रहते हैं और तायीद करते हैं इस बात की कि किसी तरह तुम यहां से हिजरत कर जाओ, अंतवल्लौ इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लजीना कातलूकुम फिद्दीन वअख्रजूकुम मिन दियारिकुम وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ। मैं अर्ज कर रहा था कि उस जमाने के यहूदी को एक कुरान मजीद की आयत नजर आई और बहुत पसंद आई और उसने मुसलमानों पर रश्क किया कि काश यहूदियों को ये आयत मिली होती तो हम खुशी मनाते। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जवाब दिया उसका वो मैं अभी अर्ज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले ये पूछा कि ये तो बताओ कि आखिर वो कौन सी आयत। उसने ये आयत पढ़ी अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीन, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए निज़ाम हयात और दस्तूर ज़िंदगी के तौर पर इस्लाम को पसंद कर लिया और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो कामिल और मुकम्मल दीन, ऐसा दीन जिसमें कोई नक्स नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई ज़ौफ नहीं, कोई इज़्मेहलाल नहीं, कोई कमी नहीं, अल्लाह ने ऐसा दीन हमें दिया, अता फरमाया और हम जुबान से तो नहीं कहते, अल्लाह इससे भी हिफाजत फरमाए सकती, लेकिन कभी कभी अमलन हम ऐसा तर्ज इख्तियार करते हैं जिससे हमें महसूस होता है कि शायद हम अपने दीन के कामिल होने पर यकीन नहीं रखते और मुहताजाना दूसरों के सामने हाथ फैलाते। ऐसी मुहताजी, ऐसी कासा लेसी, ऐसी दरियूजा गई और ऐसा मंगतापन हमारे अंदर आता चला गया है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने हमें बता दिया कि पैदा होने से लेकर मौत तक तुम्हें ये करना है और ये करना है और इस मंजिल से तुम्हें इस तरह गुजरना है। न सिर्फ ये कि आपने बताया बल्कि अपने दस्त मुबारक से हमें थाम कर हर मुश्किल मरहले से गुजारा, लेकिन हम उसके बावजूद कभी कभी दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की वजह कटा हमें पसंद आती है, दूसरों का लिबास हमें पसंद आता है, दूसरों का तर्ज जिंदगी हमें पसंद आता है, दूसरों की बोलचाल हमें पसंद आती है,
और हम सोचते हैं कि अगर ये हुक्म हमारे दीन में आया होता तो कितना अच्छा। जो कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है, और जिसके बारे में उस जमाने के यहूदी ने चाहा था कि उसको उनको मिल जाती है आयत। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, तफसील बहुत हो जाएगी लेकिन बहरहाल यहूदी को जवाब देना था दिया कि हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि कब ये आयत नासिल, किस दिन नासिल और किस जगह नासिल, कौन सी तारीख को नासिल, ये सब हम जानते हैं। तुम समझे हम बेखबर हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम कुछ जानते नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में वुकूफ फरमाते और अल्लाह ने आप पर ये आयत नाज़िल की। मैदान अरफात कैसा मुबारक और मुकद्दस मैदान, जहां पहुंचकर हाजी वुकूफ करते हैं और वुकूफ के बारे में सरकार ने फरमाया अल-हज्ज अरफा के हज का रुकन आजम वुकूफ अरफा। और यहां से जब वो मगफिरत तामा की सरद लेकर लौटता है हाजी, तो शैतान अपने सर पर मट्टी डालता हुआ अपनी सारी मेहनतों के अकारत हो जाने का एहसास करता हुआ अफसोस करता है और वहां से राह फरार इख्तियार करता है। वो अरफात का मैदान, हुजूर वुकूफ फरमाते आप पर ये आयत करीमा नासिल। कौन से दिन होता है वुकूफ अरफा? ज़िलहिज्जा की नवी तारीख। और ज़िलहिज्जा की नवी तारीख कितनी मुबारक और मुहतरम, और ज़िलहिज्जा की नवी तारीख से मुत्तसिल दसवीं ज़िलहिज्जा ईद का दिन है। ग्यारह ज़िलहिज्जा ये भी ईद है, और बारह ज़िलहिज्जा इसको भी ईद करार दिया गया है। हजरत उमर ने फरमाया कि हम मनाते तो अपनी तरफ से मनाते, वो तो अल्लाह ने खुद ही मुसलसल ईद का सिलसिला शुरू फरमाया। दस को भी ईद, ग्यारह को भी ईद, बारह को भी ईद, और खुद नबी ज़िलहिज्जा भी मुबारक दिन, मुबारक तारीख, मैदान मुबारक। तो हम जगह से भी वाकिफ हैं, तारीख को भी जानते हैं और उस दिन को भी जानते हैं जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई। वो दिन था जुमे का दिन था, और जुमा ईद है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने ईदों का एक तसलसल कायम फरमा दिया, हम क्या करते। तुम कहते हो कि हम खुशी नहीं मनाते, हम तो मुसलसल खुशियाँ मना रहे। हजरत उमर ने फरमाया यहूदी के जवाब में, कद अरफना ज़ालिका अल-यौम वल-मकान अल्लज़ी नज़लत फीही अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा कायम बिअरफत यौम जुमा। अरफात के मैदान में जुमे का दिन था कि आप पर ये आयत करीम नसीब। तो ये आयत हमें अपने दीन के कामिल और मुकम्मल होने का एहसास दिलाती है, और हम उसका मुजाहरा उस वक्त करेंगे जब एक एक जुज के अंदर हम दीन के मुताबिक चलेंगे, उससे मोहब्बत रखेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस तरीके को इख्तियार करेंगे। नहीं कि हम दूसरों का तरीका, दूसरों की तरफ नज़र उठाएंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, दूसरों के सामने का सलेसी करेंगे। तो ये दीन के कामिल और मुकम्मल होने का यकीन हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। बुजुर्गान दूसरी बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि हमारे दीन की ये खसूसियत है, इम्तियाज है ये, कि ये पिछले पैगंबरों की
पिछली किताबों की, पिछले अंबिया जो निजामे हयात लेकर आए थे, उन सब की तस्दीक करता है हमारा दीन। इस दीन की बुनियाद में तस्दीक है, तस्लीम है। कुरान मजीद की कितनी ही आयतें हैं, मैंने एक आयत पढ़ी, वल्लज़ी अवहैना इलैका मिनल किताब, पैगंबर आपके पास हमने बज़रिए वही जो किताब भेजी है, हुवल हक, यही सही है, यही हक है। लेकिन मुसद्दिकन लिमा बैने यदैह, ये किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती है, तकजीब नहीं करती, झुठलाती नहीं, बल्कि उसको मानने का हुक्म देती है, उस पर ईमान रखने का हुक्म देती है। इसलिए कि अंबिया सब एक ही सिलसिलतुज़्ज़हब की कड़ियां हैं, हजरत आदम से लेकर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक ही सिलसिला है अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का, और सबसे अखीर में खत्मे नबूवत के मनसबे आला पर फाइज होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो अल्लाह ने आपको कुरान मजीद दिया और ये फरमाया कि यह कुरान मजीद पिछली किताबों तौरात की, ज़बूर की, इंजील की तस्दीक करती है, कुरान करता है, और ये बताता है कि ये किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा किताबें। ये सही है कि बाद में चलकर लोगों ने उसमें जो तब्दीलियां की, जो तगयुरात पैदा कर दिए, जो तहरीफ कर दी, उसकी निशानदही भी कुरान मजीद ज़रूर करता है। يحرفون الكلمة عن مواضعه, ये लोग बातें बदलते रहते हैं और अपनी किताबों के अंदर तहरीफ करने लगे हैं, ये भी है। लेकिन मजमूई तौर पर और इजमाली तौर पर तमाम किताबों की तस्दीक कर। इसी तरह हमें यह हुक्म दिया गया और पैगंबर से भी फरमाया गया कि कुलु आमन्ना बिल्ला وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آپ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہم لائے ایمان اللہ پر, और हम पर जो बातें नाजिल की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उन पर भी हम ईमान लाए। और फिर इससे पहले जितने अंबिया आए, हज़रत इब्राहीम हो, इस्माईल हो, इसहाक़ हो वगैरह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, उन सब पर जो अहकाम उतरे थे, उन सब को हम मानते हैं, उन पर भी ईमान लाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम किसी पैगंबर को मानते हों और किसी पैगंबर को न मानते हों। हम ये तफरीक रवा नहीं रखते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन्हुम, बुज़ुर्गान मुहतरम, इसलिए कि सिलसिला एक ही जारी है वहाँ से यहाँ तक। तो जो एक सिलसिले के होते हैं वो एक दूसरे की तकज़ीब नहीं करते, तरदीद नहीं करते। इसको सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में अंबियाए किराम की अरवाह से वादा लिया गया, वइज़ा खज़ल्लाहु मीसाक़न नबी लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, उसी वक्त फरमाया गया कि अल्लाह ने पैगंबरों से वादा लिया, अहद लिया, क्या कि मैंने जो किताब और हिकमत तुमको अता की है
इसका तुम्हें लिहाज रखते हुए अगर तुम्हारे जमाने में वो पैगंबर आए जो तुम्हारे साथ मौजूद किताब की या अहकाम इलाहिया की तस्दीक करेंगे तो तुम्हें जरूर बिजरूर उन पर ईमान लाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और क्या इस अहद को मानते हो? तो अंबिया किराम की अरवाह ने आलम अरवाह में इकरार किया, कालू अकरना काल फशहद वाहमशाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और आपको मानने और आप पर ईमान लाने और आपकी नुसरत करने का वादा अंबिया किराम से लिया गया, इसलिए कि वो अंबिया किराम जो लेकर आए थे उसी सिलसिले का खत्म नबूवत रसूलुल्लाह को मिला था। मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुम्हारी तकदीब नहीं करेंगे, तुम्हें झुठलाएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी बात की तस्दीक करें। तो इधर हुजूर के बारे में फरमाया गया कि तुमको मानना पड़ेगा और उधर हुजूर से इरशाद फरमाया गया कुल आमन्ना बिल्लाह वमा अनज़ला इलैना। तो बुजुर्गान मुहतरम, जो एक सिलसिले के होते हैं, एक रास्ते के राही होते हैं, एक मंजिल के मुसाफिर होते हैं, वो एक दूसरे की तर्दीद नहीं करते, तफसीक नहीं करते, तजहील नहीं करते, तहमीक नहीं करते। उनके लिए ज़रूरी है कि जब एक ही सिलसिला है और दीन कामिल और मुकम्मल है तो फिर फलां की तर्दीद और फलां की तर्दीद, फलां की तजहील, फलां की तहमीक, ये नहीं, ये हमारे दीन का मिजाज नहीं। हमारे दीन का मिजाज है मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, तुम्हारे पास मुसद्दिकुल लिमा बैना यदैय, तो पिछली किताबों की तस्दीक, पैगंबरों की तस्दीक। मैं हमारे ईसाई भाइयों की मजलिस में इस बात को बारहा कह चुका हूँ कि आप लोग इस गलत फहमी में मुब्तला या खुश फहमी में मुब्तला रहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर भी आप ईसाई हैं और हज़रत ईसा पर ईमान रखते हैं और नजात पाने वाले हैं, ये आपकी खुश फहमी, आपको मुबारक। लेकिन कोई मुसलमान इस गलत फहमी में हरगिज़ मुब्तला नहीं है कि वो हज़रत ईसा को माने बगैर भी मुसलमान रह सकता है। हज़रत ईसा को नहीं मानेगा, हज़रत मूसा पर ईमान नहीं रखेगा तो मुसलमान नहीं होगा, इसलिए कि वो सब एक ही सिलसिले के बुजुर्ग, एक ही सिलसिले के पैगंबर। तो ये मिजाज जो है हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी दामन बरकातहू सदर इजलास ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि दावत दी जाएगी दीन की, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि दीन की दावत दी जाए, मजहब की नहीं, मसलक की नहीं, मशरब की नहीं दावत दी जाए। वो सब अपना अपना ज़ौक है, अपने दलाइल की रोशनी में इख्तियार किया गया ख्याल है, फैसला है, ठीक है, उस पर कायम रहने का हर एक को हक है। लेकिन दूसरे ने अगर कोई दूसरी दलील अपने सामने रखी और उसकी वजह से दूसरा पहलू इख्तियार किया तो उस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद, इन सब के मज़ाहिब अलग अलग हैं, लेकिन कोई शाफी किसी हनफी से नहीं कहता कि आप भी शाफी हो जाए, या कोई हनफी शाफी से नहीं कह सकता कि आप भी हनफी हो जाएंगे या शाफी हो जाए। जी नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही। हज़रत इमाम शाफी रहिमहुल्लाह
जब इमाम आजम के मजार वाली उस मस्जिद में पहुंचेंगे तो नमाज उस तरह से उन्होंने पढ़ी जो उनकी तहकीक के खिलाफ, और इमाम अबू हनीफा के रहिमहुल्लाह तहकीक के मुताबिक। शागिर्दों ने पूछा भी, फरमाया कि यहाँ वो इमाम आराम फरमा है जिसकी ये तहकीक है, मुझे शर्म आई कि मैं उसकी तहकीक के खिलाफ काम। तो ये जो जज्बा है, तसादुक का जज्बा, तनासुब का जज्बा, एहतराम का जज्बा और दूसरों के सही होने का जज्बा, इस जज्बे को पैदा करने की ज़रूरत है आज, वरना ये जो इंतशार है वो सब इसी बुनियाद पर है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो सही और दूसरा जो समझ रहा है उसे उसकी समझ पर अमल करने का इख्तियार मैं नहीं दे सकता, ये सही है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारा दीन मुसद्दिक तस्दीक करने वाला है, तकजीब के पीछे पड़ने वाला नहीं। जो गलत है, दीन से बाहर है, उनके बारे में बहस नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने हवाला दिया कि मजहब और मसलक और मशरा ये सब अपने अपने ज़ौक की चीज़ें हैं और हर एक को अपने ज़ौक के मुताबिक किसी पहलू को तरजीह देने का हक। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मेरे मुखलिस दोस्त और करम फरमा मौलाना रिफाई साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो सियाहपोश अपनी नूरानियत को छुपाने के लिए उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है, और हम अपनी सियाहियों को छुपाने के लिए सफेद पोश बने हुए हैं। लेकिन क्या महज इस वजह से कि वो सियाहपोश हैं मैं सफेद पोश हूँ, आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उनसे लड़ूँ और मुनाजा करूँ? ये क्या तरीका है? और वो मुझसे कहें कि ये क्या तरीका है? तो बुजुर्गाने मोहतरम, जो चीज़ें फराइज़ में से हैं, मुहर्रमात में से हैं, मुश्तबे उमूर हैं, जैसा कि इससे पहले मौजूदा मोहतरमी में जानू देवबंद मौलाना ने फरमाया कि मुश्तबे से भी बचना चाहिए, वो सब सही, लेकिन मुस्तहब्बा और मंदूबा और जहाँ कई कई पहलू किसी मसले के हो सकते हैं और शरीयत ने गुंजाइशें दी हैं, तो इन मामलात में तशदीद और सख्ती और तरदीद और तगलीज, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत यही है कि शरीयत को महफूज कीजिए, लेकिन उसकी वजह से बाहमी इख्तलाफ और दूरी और दुश्मनी। और हज़रत कुतुब बैरूनी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब व गरीब आरिफाना जुमला इरशाद फरमाया कि लोग मंदूबात और मुस्तहब्बात के लिए मुहर्रमात में मुब्तला होते हैं। दुश्मनी हराम है, गीबत हराम है, चुगलखोरी हराम है, तनाबुज़ बिल अल्काब हराम है, वक्त हराम है, हसद हराम है। सिर्फ मुस्तहब्बात के लिए और मंदूबात के लिए लोग मुहर्रमात में मुब्तला होते हैं। बुजुर्गान, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, अगर ये बातें सही हैं तो मिल जाए मिल्ला है, और अगर खुदा का खास था इसमें कोई गलती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैं जिम्मेदारों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात के की खिदमत में भी हमें तशक्कुर पेश करता हूँ कि मेरी इस तालिबाना समा फराशी को आपने बर्दाश्त फरमाया और निहायत सुकून इत्मीनान से उस खादिम की बातें आपने सुनी। वाकिर दावाना अनिल हमदुल्ला।